सुरभी सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। रिया चक्रवर्ती, इनको तो आप सब जानते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तो रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती का एक और, जो उनकी फ्रेंड कहेंगे या फिर फरहान अख्तर की होने वाली पत्नी शिवानी दांडेकर के साथ, बहुत खास रिश्ता है। आप सबको जानकारी दे दे कि फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर कुछ ही दिनों में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। 21 फरवरी को इनकी शादी सारे रस्मों रिवाजों के साथ होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दे कि शिवानी दांडेकर कौन है और आखिर क्या करती हैं, इसके बारे में इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे शिवानी दांडेकर का कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के साथ है और वो कनेक्शन बहुत ज्यादा खास है। जब सुशांत का निधन हुआ तब रिया चक्रवर्ती बहुत चर्चा में आई और रिया चक्रवर्ती के साथ यहाँ पर शिवानी दांडेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपके सामने लाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर फरहान अख्तर की होने वाली पत्नी शिवानी दांडेकर आखिर कौन है और रिया चक्रवर्ती के साथ उनका क्या खास कनेक्शन है। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर जल्द ही लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शिवानी दांडेकर संग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। फरहान और शिवानी एक दूसरे को पिछले 3 सालों से डेट कर रहे हैं। वहीं इसी महीने 21 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी करने वाले हैं। दोनों की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को उनकी हल्दी की रस्म हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हल्दी सेरेमनी में टीवी से लेकर बॉलीवुड तक के कई स्टार्स भी शामिल हुए थे। अब इनकी शादी में फरहान ने खंडाला वाले फार्म हाउस में किया गया है। अब इस शादी में परिवार और करीबी दोस्त ही केवल शामिल रहेंगे। इसी के बीच अब फैंस के मन में ये बात आ रही है कि आखिर शिवानी दांडेकर कौन है और उनका वर्क प्रोफाइल आखिर क्या है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि फरहान अख्तर की होने वाली दुल्हन शिवानी दांडेकर पेशे से सिंगर, एक्ट्रेस और एंकर हैं। शिवानी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एंकर एक अमेरिकन टीवी से की थी और वहीं इंडिया आने के बाद शिवानी ने कई हिंदी शोज़ और इवेंट्स को होस्ट किया है, जिससे उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान साल 2019 ICC वर्ल्ड कप को होस्ट करने के बाद हासिल हुई। जी हाँ, शिवानी दांडेकर एक मराठी फैमिली से संबंध रखती हैं। वो फेमस वीजे और सिंगर अनुषा दांडेकर की सगी बहन है। वहीं शिवानी की एक और छोटी बहन है जिसका नाम अपेक्षा है। शिवानी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी लिखी हैं, साथ ही उनका बचपन अफ्रीका में बीता है। शिवानी के करियर की अगर बात करें तो उन्होंने रॉय से डेब्यू किया था। इसके अलावा शानदार, सुल्तान, नूर जैसी मूवीज़ में भी दिखी। आपको बता दें कि शिवानी कई टीवी शोज़, रियलिटी शोज़ और वेब सीरीज़ में काम कर चुकी हैं। इसी के साथ उन्होंने मराठी मूवी टाइम पास संघर्ष में कैमियो रोल में भी वो दिखी हैं। जी हाँ, वहीं एक रियलिटी शो झलक दिखला जा 5 और खतरों के खिलाड़ी में बतौर कंटेस्टेंट नज़र आई थी। उन्होंने वेब सीरीज़ 4 More Shots Please और होस्टेज 2 में भी काम किया है। शिवानी दांडेकर रिया चक्रवर्ती को तब से जानती हैं जब से वो 16 साल की थी। जी हाँ, दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से हर कोई रिया के खिलाफ था और इस तरह से उन्हें हर कोई ट्रोल कर रहा था, और तो शिवानी दांडेकर लगातार उनके साथ खड़ी रही थी। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिवानी दांडेकर ने सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर किया था। शिवानी ने रिया के बारे में कई बातें लिखी थी और उनको लेकर बने माहौल पर गुस्सा भी निकाला था। शिवानी का कहना था कि वो 16 साल की उम्र से रिया चक्रवर्ती को जानती हैं और इस मामले में वो सुशांत से उन्हें प्यार करने की सजा मिल रही है। आपको बता दें कि सुशांत के निधन के बाद शिवानी रिया के साथ नजर थी और दोनों की गहरी दोस्ती है, ये पता चला था। शिवानी ने लिखा था कि मैं रिया को तब से जानती हूँ जब से वो 16 साल की थी। हम एकदम वाइब्रेंट, मजबूत और जिंदा दिल जीवन से भरे हुए हैं। बीते कुछ महीनों से मैं रिया और उसके परिवार का दूसरा पहलू देख रही हूँ। उन्होंने ऐसा कष्ट झेला है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। एक बेगुनाह परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। जी हाँ, रिया के बारे में शिवानी ने आगे लिखा कि रिया गुनाह उनका बस इतना है कि उन्होंने सुशांत से बहुत प्यार किया, उसके बुरे दौर में उसका ख्याल रखा। इस मामले में रिया के आधारभूत अधिकार छीन लिए। मैंने खुद देखा है कि इन सब से उसकी मां की सेहत कैसे ख़राब हो गई और 20 साल तक देश की सेवा करने वाले उसके पिता पर आखिर क्या गुजरी।
वहीं आपको बता दें कि शिबानी दांडेकर हमेशा ही रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी रही हैं। रिया ने जो फ़ोटो शेयर की उसमें दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती देखने को मिलती है। जी हाँ, रिया ने इस फोटो के साथ लिखा, दाई तरफ खड़ी महिला पास वो सब कुछ है जो बाई तरफ खड़ी महिला को चाहिए। प्यार करने वाला, दयालु, बहादुर, आपके जन्मदिन पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, शिबानी दांडेकर एक दोस्त में वो सब है जो किसी को भी चाहिए। दुनिया की सबसे खास लड़की को जन्मदिन की बधाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जी हाँ, ये पोस्ट जो है ये शेयर किया था रिया चक्रवर्ती ने उस समय। अब आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और शिबानी दांडेकर बहुत करीबी दोस्त है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जब रिया सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी तो शिबानी उन चंद लोगों में से थी जो खुलकर उनका सपोर्ट कर रही थी। शिबानी ने कहा था कि रिया को सुशांत से प्यार करने की सज़ा मिल रही है। वो रिया को तब से जानती हैं जब वो 16 साल की थी। वो एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग, जिंदा दिल और चमकती हुई चिंगारी जैसी है जो ज़िंदगी को खुलकर जीती हैं। हमने देखा है कि मीडिया गिद्धों की तरह है उनके साथ पेश आ रहा है। एक मासूम परिवार को इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है कि वो टूट ना जाए, जिसके बाद रिया के साथ शिबानी को भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। लेकिन शिबानी ने कहा कि उन्हें ट्रोलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके साथ खड़ी थी जो सच था। रिया चक्रवर्ती 3 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी काम पर लौटी हैं रिया चक्रवर्ती, और सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई रिया चक्रवर्ती का शिबानी दांडेकर के साथ बहुत खास रिश्ता है, क्योंकि शिबानी दांडेकर रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड है। वहीं आपको बता दें कि शादी में भी नज़र आई हैं रिया चक्रवर्ती, और शादी में अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस देते हुए भी दिखाई दी हैं। जी हाँ, शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर 21 फरवरी को एक दूजे के हो जाएंगे। दोनों की शादी है और ये शादी काफ़ी धूमधाम से हो रही है, और शादी में जहाँ कई सारे गेस्ट पहुँचे हैं, वहीं रिया चक्रवर्ती भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में पहुँची है और यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बधाई देती हुई दिखाई दे रही हैं, डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पता चल रहा है कि शिबानी दांडेकर जो हैं वो रिया चक्रवर्ती के कितने करीब हैं। देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि रिया चक्रवर्ती और शिबानी दांडेकर का कितना खास कनेक्शन है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जब से ये शादी की रस्में शुरू हो रही है, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती भी कई बार स्पॉट की जा रही है, क्योंकि वहां अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में पहुंची हुई है रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ही रिया चक्रवर्ती को लेकर खबर आई थी कि 2 सालों के बाद पहली बार उन्होंने अपना काम रिज्यूम किया है, यानी कि सुशांत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती पहली बार पर लौटी थी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।